हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है सभी के लिए। हाँ जी दोस्तों, आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब DM की संस्तुति के बाद ही पोषण की आपूर्ति का आदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टार विभाग की व्यवस्था में सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। खबर निकल कर आई लखनऊ से, बाल विकास सेवा में पुष्टार विभाग में पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने तय किया है लाभार्थियों को 6 माह से 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती आरी माताओं को वास्तविक संख्या के आधार पर हर महीने पोषाहार की आपूर्ति का आदेश जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, आदेश जारी करने से पहले संबंधित जिले के DM को स्तर पर आपूर्ति की मांग सत्यापन एवं अनुमोदन भी किया जाएगा। इससे ज़रूरत से ज़्यादा पोषाहार की आपूर्ति दिखाकर हो रहे खेल पर लगाम लगेगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में काफ़ी दिनों से पोषाहार आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी चल रही है। दोस्तों अखबार के इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रमुख सचिव एवं निदेशक के पद से हटाने के बाद निदेशालय में पंजीरी सिंडिकेट की सबसे प्रमुख कड़ी रही है। DPO कल्पना पांडे को निलंबित भी कर दिया गया। विभागीय कार्यदर संभालने के बाद प्रमुख सचिव राधा चौहान, निदेशक डॉक्टर सरिका मोहन ने सबसे पहले पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कवायद शुरू कर दी और वर्षों से निदेशालय में जमे अधिकारियों और बाबुओं को कगज कर खत्म करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दोस्तों वहीं DM की अहम भूमिका रहेगी। पहले पोषाहार को DM की कोई भी भूमिका नहीं थी, अब हर आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा लाभार्थियों को संख्या के आधार पर पोषाहार की मांग की जाएगी। इससे बाल विकास परियोजना के माध्यम से DPO को दिया जाएगा। बाद में लाभार्थियों की संख्या के मुकाबले की गई मांग का सत्यापन DM के स्तर पर कराकर निदेशालय को भेजा जाएगा। पहले DPO द्वारा सीधे निदेशालय में भेजा जाता था। नई व्यवस्था में DM की भूमिका शामिल करना, पंजीरी सिंडिकेट और अधिकारियों से गठजोड़ से पोषाहार आपूर्ति में हो रहे खेल पर सबसे कड़ा हमला माना जा रहा है। लाभार्थियों की औसत उपस्थिति पर होती पोषाहार की आपूर्ति और मॉडल केंद्र के तौर पर विकसित होंगे अति पिछड़े 8 जिलों के आंगनवाड़ी केंद्र। हाँ जी दोस्तों, प्रदेश के 8 अति पिछले जिलों में 2-200 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें पोषण वाटिका भी बनाई जाएगी। इसके तहत महिलाओं को बेहतर पोषण की जानकारी दी जाएगी, साथ ही जागरूकता अभियान चला जाएगा। किशोरी बालिकाओं को पोषण विषय पर जागरूक करने के लिए किशोरी का पिटारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये निर्देश मुख्य सचिव RK तिवारी ने सोमवार को पोषण अभियान एवं राज्य पोषण मिशन के 12वीं कार्य समिति के राज्य स्तरीय सेक्शनिंग कमेटी 5वीं स्टेट कन्वर्सेशन कमेटी की बैठक में दिए हैं। दोस्तों साथ ही लाभार्थियों की औसत उपस्थिति पर होगी आपूर्ति। यानी दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहले लाभार्थियों की औसत उपस्थिति का आधार मानते हुए पोषणहार की आपूर्ति की मांग की जाती थी, जबकि आंगनवाड़ी लाभार्थियों की संख्या हर महीने घटती बढ़ती है। इसके बावजूद पूरे साल भर एक ही मात्रा में पोषणहार आपूर्ति की जाती है। नवीनतम तमाम आंगनवाड़ी केंद्र पर जरूरत से अधिक पोषाहार पहुँच जाता है और पोषण खराब हो जाता है। इससे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य अधिकारी अपने पशुओं को खिलाने के लिए ले जाते हैं। तो दोस्तों अब इस पर लगेगी लगाम। हाँ जी दोस्तों, DM की देख देख में होगा सारा काम। तो दोस्तों ये रही बड़ी खबर। ऐसी खबरों के लिए चैनल से जुड़ें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।